समाजवादी पार्टी के हमारे प्रत्याशी बबलू पटेल जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से नरेश उत्तम पटेल जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहन यादव, समाजवादी पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी डॉक्टर मनोज यादव जी, यहाँ की बहुत ही लोकप्रिय लोक गायक श्रीमती चिरैया प्रजापति जी, प्रदेश सचिव आशीष कुशवा जी, नगर अध्यक्ष अखिलेश लोहिया वाहिनी से लेकर के बहुत सारे हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, प्रदेश प्रवक्ता फुरकान काजी जी, अधिवक्ता संघ के महिपाल राठौर जी, युवजन सभा के देश रीति त्रिपाठी जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले सुबह से लगातार यहां पर समाजवादी पार्टी के नेताओं के भाषण सुन रहे हमारे सभी समाजवादी कार्यकर्ता आदरणीय बुजुर्ग और नौजवान साथी, मैं इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं जानता हूं कि बहुत देर से आप लोग समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं के आपने भाषण सुने हैं, जिस समय मैं रस से आपके कार्यक्रम में पहुंच रहा था, मैंने बहुत सारे साथियों को जाते भी देखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने हमारा रथ देखा सभी के सभी यहां पर मैदान में आ गए। मैं उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। ये चुनाव मध्य प्रदेश का चुनाव आप 5 साल के बाद देख रहे हैं, 5 साल बाद आपको अपने नेता को चुनने का मौका मिल रहा है और इस बार अगर आप चूक जाओगे तो अगले 5 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन और अपील करने आया हूं, दूसरे दलों के जो नेता हैं वो जीत जाएंगे अगर, तो उससे कोई इतिहास बनने वाला नहीं है, न कोई खबर बनेगी, न कोई ऐसा बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप लोगों ने मिलकर के बबलू पटेल को जिता दिया तो यहाँ की विधानसभा का एक नया इतिहास बनेगा, न केवल इस जिले में बल्कि प्रदेश में खबर बनेगी कि यहाँ के लोगों ने एक गरीब साथी को चुन करके भेजा है। बबलू पटेल लगातार आपके बीच में काम कर रहे हैं, हम लोग तो आज आपसे अपील करने आए हैं, लेकिन आपके और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, सालों साल से आपके बीच में अपने पक्ष में समर्थन जुटा रहे हैं। बताओ पदयात्रा की कि नहीं की इन्होंने? आप लोग पदयात्रा में भी शामिल हुए होंगे, आप लोगों ने इन्हें बहुत करीब से भी देखा होगा। लेकिन एक चीज याद रखना, जो यहाँ के विधायक हैं वो कभी समाजवादी पार्टी से भी जीते थे, ये बात आपको पता है कि नहीं पता है? तो सोचो अगर बबलू पटेल जीत गए तो हमेशा हमेशा विधायक बने रहेंगे, इसलिए बड़ी बड़ी ताकत है इनके सामने, इनके सामने खड़ी जो ताकतें हैं वो नहीं चाहेंगे जीते। बीजेपी और कांग्रेस क्या दिया मुड़ करके आप देखो, आज बीजेपी के कितने सालों की सरकार है, 20 साल हो गए लगभग, बताओ क्या जीवन में बदलाव आया है? कोई बदलाव नहीं आया। हमारे ये नौजवान पहले भी बेरोजगार थे और आज भी बेरोजगार हैं, इन्हें नौकरी और रोजगार सरकार नहीं दे पाई, कहने को तो ये डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली और मध्य प्रदेश की सरकार बीजेपी की, लेकिन
इन्होंने नौकरियां नहीं दी, नौकरियां छीन ली, हमारे नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। बताओ किसी के हाथ में कोई नौकरी या रोजगार है कि नहीं है? याद करो, ये बीजेपी के लोग वही हैं जिन्होंने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, इनकी पैदावार की कीमत दे देंगे। बताओ कितनों की फसल की सही कीमत मिल गई हो आपको? खाद नहीं मिली, महंगाई बढ़ा दी, डीजल पेट्रोल की, खाद की, हर चीज की महंगाई बढ़ा दी, खाने पीने के सामान से लेकर के सब महंगा कर दिया। और जिस समय कोरोना बीमारी आई थी, आप लोगों को बंद रहना पड़ा, घरों में रहना पड़ा, और जो सपने दिखाए थे इन्होंने, वो सपने के पूरे चकनाचूर हो गए। कोई तरक्की और खुशहाली नहीं हुई है। ये बीजेपी वालों ने न केवल मध्य प्रदेश को बर्बाद किया है, देश को भी बर्बाद कर दिया। प्रधानमंत्री जो दिल्ली में है, मैं देख रहा हूं मध्य प्रदेश में आकर के बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। इनके भाषण वैसे ही खोखले हैं जैसे 15 लाख आपको मिले हों। याद है आपको कहा था 15 लाख मिलेंगे, इनके भाषण खोखले हैं। ये कह रहे हैं कि हमने दिल्ली और मध्य प्रदेश की सरकार ने मिलकर के 13 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया है। ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, एक बड़े होटल में भाषण दे रहे थे दिल्ली में, और भाषण देते देते उन्होंने कहा कि हमने अपने कार्यकाल में 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल लिया है। क्या 13 करोड़ लोग गरीब नहीं बचे हैं? अगर मध्य प्रदेश की 8 करोड़ की आबादी है तो कम से कम 20 साल की इनकी सरकार में और दिल्ली की सरकार में 1 करोड़ गरीब लोग रेखा से बाहर हो गए होंगे। और अगर 1 करोड़ मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से बाहर हुए होंगे तो यहां पर भी छतरपुर और खजुराहो और इस विधानसभा के लोग भी गरीबी रेखा से बाहर निकले होंगे। बताओ यहां बैठे लोग, अगर हम बीजेपी की बात मान लें तो क्या आप लोगों की गरीबी खत्म हो गई है? क्या गरीबी रेखा से बाहर आ गए आप? कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है प्रधानमंत्री जी की तरफ से। और अब कह रहे हैं कि राशन जो हम देते थे, अब 5 साल और राशन देंगे। जो राशन देने वाले लोग हैं वो कभी भी आपको गरीबी से बाहर नहीं निकलने देंगे। वो चाहते हैं कि गांव के रहने वाले लोग गरीब बने रहें और अब राशन देते रहें, और राशन के लालच में हम उनसे वोट लेते रहें। ये साजिश है, षड्यंत्र है हमारे गरीबों के खिलाफ। जहां तक हमारे कांग्रेस वाले साथियों का सवाल है, मैं तो आसपास कई बार कई गांव में आसपास होकर के आया हूं। मुझे याद है जब मैं चुनाव प्रचार शुरू किया था, बबलू पटेल जी हमें आदिवासियों के बीच में लेके गए थे। मैंने देखा जाते जाते हर गांव में अभी भी कच्चे मकान हैं, वो मकान हैं जो कभी आपके दादा ने बनवाए होंगे, आपके पिताजी ने बनवाए, या पुराने घर हैं 40 साल पुराने हैं। अभी भी गरीबों को आवास ये सरकार नहीं दे पाई। सोचो दिल्ली की सरकार 10 साल की और मध्य प्रदेश की 20 साल की सरकार बीजेपी ने आपको मकान नहीं दिए। पहले कांग्रेस ने नहीं बनने दे गरीबों के घर, और अब बीजेपी वालों ने नहीं बनने दिए। हमारे गरीब अभी भी अपने वही खपरेल, वही पुराने दादा परदादाओं के बने हुए घरों में रह रहे हैं, या जैसे के तैसे रह करके अपना जीवन गुजार रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, समाजवादी सरकार बनेगी या सरकार में शामिल होंगे तो उत्तर प्रदेश की तरह हम लोग गरीबों को भी लोही आवास दिला करके उनको पक्के घर देने का काम करेंगे। ये बीजेपी कांग्रेस वाले, बीजेपी और कांग्रेस वाले पूछते हैं ये समाजवादी लोग कौन हैं? ये समाजवादी लोग कौन हैं? मैं केवल 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं जो हम समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश में काम किए। आपने देखा होगा एक बार प्रधानमंत्री जी
देश के सबसे बेहतरीन हवाई जहाज में बैठ करके, जो सबसे बेहतरीन एयरफोर्स का है हवाई जहाज, वायुसेना का सबसे बड़ा सबसे भारी वाहन, उसमें बैठ करके सड़क पे उतरे थे। अगर किसी ने भी देश में ऐसी सड़क बनाई जहां पर कभी भी हवाई जहाज उतर सकता है, तो वो समाजवादियों ने बना करके दिखाई। बताओ, वो तस्वीरें आपने देखी होंगी जिसमें प्रधानमंत्री अपने हवाई जहाज से सड़क पे उतरे थे। वो सड़क अगर किसी ने बनाई तो वो समाजवादियों ने बनाई। बताओ हमें, यहाँ 20 साल में मध्य प्रदेश में अगर एक भी ऐसी सड़क हो जहाँ पर हवाई जहाज उतर जाए तो हमें बता दो आप, कोई सड़क है ऐसी क्या? कम से कम समाजवादियों ने 21 महीने में 323 सड़क बनाया, 323 किलोमीटर की सड़क बना दी। देश की आज भी सबसे अच्छी सड़क अगर किसी ने बनाई तो समाजवादी लोगों ने उत्तर प्रदेश में बना करके दिखा दी। ये हमारे गांव के रहने वाले लोग कभी तकलीफ परेशानी में आ जाते हैं, थाने की तरफ भागते हैं, पुलिस की मदद के लिए भागते हैं, और हम उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने एक व्यवस्था ऐसी शुरू की कि पुलिस को फोन मिलाओ और 10 मिनट में पुलिस पहुंचेगी और आपकी मदद करने का काम करेगी। बताओ, मध्य प्रदेश में अगर घटना हो जाए आपके यहाँ, जब आप फोन मिलाते हो तो बताओ कितनी देर में पुलिस पहुंचती है आपके पास? एक घंटे में, दो घंटे में? कई बार हमने सुनने को मिला है कि अगर सुबह घटना हो जाए तो अगली सुबह पुलिस पहुंचती है, तब जाकर के मदद मिलती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने गरीबों की मदद के लिए ऐसा इंतजाम किया है कि 10 और 15 मिनट में फोन करने पे पुलिस पहुंचती है, मदद करती है, अपने गरीबों का देखभाल करने का काम समाजवादी सरकार में हो रहा है। बताओ ना, पढ़ाई का इंतजाम, ना इलाज और दवाई का इंतजाम। बताओ गरीब भाइयों, अगर बीमार हो जाओ तो कहां इलाज कराने जाना पड़ रहा है आपको? कहां पे भागना पड़ता है आपको? और कहो इलाज मिले न मिले, ये परेशानी है। कई बार आपको प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है, अपने खेत बेच करके इलाज कराना पड़ता है, अपनी जमीन बेच करके, अपने जेवर बेच के इलाज कराना पड़ता है। कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया, इसलिए समस्याएं हैं बहुत। हम समाजवादी लोग परिवर्तन लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, और ऐसा बदलाव लाना चाहते हैं कि गरीब के बच्चे की पढ़ाई भी हो और गरीब को कभी इलाज और दवाई की जरूरत पड़े तो सरकारी अस्पताल में एक भी पैसा न लगे, पूरा का पूरा पैसा सरकार की तरफ से उसकी मदद के लिए हो जाए। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने करके दिखाया है। हम लोगों को मौका दोगे, बबलू पटेल को मौका दोगे, तो यहाँ भी वो व्यवस्था लागू करने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। आखिरी में एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे, आपको याद होगा एक विधायक ने सरकार बनाई थी कांग्रेस की, याद है कि नहीं? याद है, यही बगल में बिजावर, जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक जीते थे, उनका नाम भी बबलू था, इनका नाम भी बबलू है। और जब बबलू के लिए समाजवादी लोग वोट मांगते हैं तो बबलू जीतता है, कोई दूसरा नहीं जीतता। याद है कि नहीं? याद है, एक विधायक ने सरकार बनाई, यही कांग्रेस पार्टी के लोग समर्थन के लिए भाग दौड़ कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि जल्दी समर्थन दो, जल्दी समर्थन दो। समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया था, तब कांग्रेस की सरकार बनी थी। एक विधायक था समाजवादियों का, जैसे ही समर्थन दिया वैसे ही कांग्रेस को समर्थन मिल गया और मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बन गई। लेकिन सरकार नहीं चला पाए, उनके विधायकों को लूट लिया बीजेपी ने। बताओ, बीजेपी ने लूटा के नहीं लूटाए उनके विधायक? बीजेपी के लोग लोकतंत्र पे नहीं, लूट तंत्र पे भरोसा रखते हैं, लूट तंत्र पे भरोसा रखते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं,
पहले उस बबलू ने सरकार बनाई थी, इस बार ये बबलू सरकार बनाने का काम जैसा है कि नहीं है बताओ, आपके बीच का है कि नहीं है बताओ, गरीब है कि नहीं है तो बताओ, आप गरीब लोग गरीब की मदद करोगे कि नहीं करोगे? बीजेपी ने महंगाई बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? बेरोजगारी बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? तो इसका मतलब तो साइकिल चलने वाली है यहाँ पर। का काम हम समाजवादी लोग करेंगे और हमेशा हमेशा के लिए समाजवादी पार्टियां मध्य प्रदेश में बने, वो संकल्प लेकर के जाना और बबलू पटेल को एक एक वोट साइकिल के चुनाव पर दे देना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दूर दूर से आप आए, इतनी देर तक आप लोग यहां बने रहे, आप लोग सुनने भी आए देखने भी आए, मैं धन्यवाद देता हूँ। और अपनी माताओं बहनों को विशेष धन्यवाद देता हूँ कि जो इस कार्यक्रम में शामिल हुई है। ये लाडली में 1,000 रुपए दे रहे हैं, 1,500 का वादा कर रहे हैं, समाजवादियों की सरकार बनेगी और ये